एप्लीकेशन जो है ना, इसको तो हम बंद ही कर देते हैं, हम एक नई कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। और नहीं इसलिए बना रहा हूँ कि इस चीज़ का ख्याल रखें कि यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऑप्शन हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो देखें, आपने करना यह है कि विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन के बाद जो है ना, वो आपसे पूछता है प्रेफर्ड। अगर आपने कुछ उल्टा सीधा कर भी दिया है, तो आप जाएं टूल्स में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेटिंग्स में, यहां से करें रीसेट ऑल सेटिंग्स। और रीसेट करने के बाद आप यहां से करें नो जस्ट रीसेट सेटिंग्स, ओवरराइट माय करंट सेटिंग्स, और यहां से विजुअल सी शार्प सेलेक्ट कर लें। आप लोग यहीं पर हैं? मैंने कहा शायद कहीं और चले गए। होता है बंदा बाजू का, होता तो है लेकिन होता नहीं है। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेटिंग के अंदर जाकर आप अगर विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करके इसको फिनिश कर देंगे, तो न्यू प्रोजेक्ट करने में बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ विजुअल सी शार्प नजर आएगा और अदर लैंग्वेजेस में दूसरी लैंग्वेजेस नजर आएंगी, ठीक है। अदरवाइज अगर सब सेलेक्ट कर लिया ना आपने जर्नल, तो सारी ऑप्शन होंगे, तो जो भी प्रीवियस होगा ना वो सिलेक्टेड होगा। तो अगर आपने यहाँ विजुअल बेसिक सेलेक्ट कर लिया, तो प्रोजेक्ट बनेगा विजुअल बेसिक में, मसला कोई नहीं है, उसमें विजुअल बेसिक के हिसाब से कोड लिखना पड़ेगा, सही है। तो डिफॉल्ट हमारा सी शार्प होना चाहिए। बाकी अब मैं यहां पर लिख रहा हूं माई सेकेंड कंसोल एप्लीकेशन, और इसको मैंने कर दिया ओके। अभी एक और एप्लीकेशन आ गया आपके पास, सही है। अब देखें, हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना है, और उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जनाब मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं, कैसे कॉल होते हैं, क्या उनकी रिटर्न टाइप होती है, उनका सिग्नेचर क्या होता है, ये सारी चीजें समझनी है। तो देखें, मेथड जो है वो होता है कुछ इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आप एक साथ कहीं लिख दें और फिर उनको कॉल करें किसी इवेंट के ऊपर। जैसे मेन तो है ना आपका एंट्री पॉइंट है, ये तो खुद ब खुद ही कॉल हो जाता है, सही है। लेकिन अगर इसके नीचे मैं एक मेथड और बना दूं, स्टैटिक वॉइड ऐड, और ऐड के अंदर कुछ कोड लिखूं इस तरीके से कि इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 10 एंड इंटीजर वाई इक्वल्स टू 20 और इंटीजर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और कंसोल डॉट राइट लाइन जेड, तो ये प्रोग्राम क्या आउटपुट देगा मुझे, 30 देगा। तो हम प्रोग्राम को रन कर देते हैं। ये कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा हमें। अच्छा, मेन में जाके यहाँ पे लिख भी देते हैं कंसोल डॉट रीड। असल में है तो ये फंक्शन ही, लेकिन इसको सी शार्प में मेथड कहते हैं। देखें कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। असल में VB6 में जो है ना, दो चीजें होती थी, एक चीज होती थी फंक्शन और एक चीज होती थी सब रूटीन। जो कुछ रिटर्न कर रहा है वो फंक्शन है, जो नहीं कर रहा है वो सब रूटीन है। तो इसी वजह से कुछ कंफ्यूजन है, लिहाजा उन्होंने इसका नाम ही चेंज कर दिया, इसको मेथड बोलना शुरू कर दिया। ये ऐसा भी हो सकता है जो कुछ रिटर्न ना करे, और ऐसा भी हो सकता है कुछ रिटर्न करे। अब देखें, 30 तो प्रिंट नहीं हो रहा, क्यों नहीं प्रिंट हो रहा भाई? हाँ देखें, इसका जवाब ये है कि मेन में आप इंटर हुए और मेन एंड हुआ तो प्रोग्राम भी एंड हो गया, सही है। अगर आप चाहते हैं कि 30 प्रिंट हो या ऐड कॉल हो, तो उसको आपको मेन में कॉल करना पड़ेगा, सही है। मेन जो है ना वो होता है ब्रेन, जिस तरह ब्रेन होता है ना एक ह्यूमन के अंदर। अब ह्यूमन बहुत ज्यादा हेल्दी है, लेकिन ब्रेन डेड हो जाए तो क्या होगा, कुछ भी नहीं कर सकता वो, सही है ना, मर गया बेचारा। इसी तरह मेन
का जो मेथड है वो ब्रेन होता है पूरे प्रोग्राम का, ठीक है। बिल्ली से परेशान ना हो, ये पालतू बिल्ली है जी, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा अच्छा चलो बता रहा हूँ, अभी void बताऊंगा मैं, ये रिटर्न टाइप है इसके, ठीक है। अब देखें यहां पर एड को मैंने मेन में कॉल किया है, तो अब एड कॉल होगा और 30 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मेथड है तो मैं एक से ज्यादा दफा इसे कॉल कर सकता हूं, और जितनी दफा चाहूं कॉल कर सकता हूं, फॉर के लूप के अंदर कॉल कर सकता हूं, सही है, जितनी दफा चाहूं कॉल करूं। अब ये जो मेथड होता है इसमें देखें, कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिनको आप कॉल करते हैं और वो अपना एक्शन कोई परफॉर्म करते हैं और फिर एंड हो जाते हैं, और जब वो एंड होते हैं तो आप वापस वहां जाते हैं जहां से वो मेथड कॉल हुआ था, यानी कि मेन में। अब सपोज यहां पर एक मेथड और है और वो है प्रिंट का, सही है। प्रिंट का मेथड जो है वो प्रिंट करता है कुछ, कोई भी कैरेक्टर जो है वो प्रिंट कर देता है, ये लिख देता है प्रिंटिंग। अब मैंने क्या किया जनाब, यहां से प्रिंट कॉल कर लिया, तो प्रिंट मैंने कहां से कॉल किया है, प्रिंट मैंने लिखा है एट के मेथड में, लिहाजा प्रिंट कॉल होगा जब एट कॉल होगा, सही है। जब प्रिंट एंड होगा तो हम वापस कहां जाएंगे, एट के मेथड में, और जब एड एंड होगा तो हम कहां जाएंगे, मेन के मेथड। मेरी बात समझ में आ रही है, अगर आप चलाएंगे इसको तो लिखा हुआ आएगा प्रिंटिंग, जो कि लिखा हुआ प्रिंट में, लेकिन पहले आपने एड कॉल किया था तो आप एड में आए थे, और एड से प्रिंट कॉल किया था तो प्रिंट में आ गए थे, सही है। अच्छा आप ये ध्यान में रखें कि परेशान ना हो, असल में ये बिरयानी बिरयानी की बोटियां मांग रही होगी, और कोई मसला नहीं है इसको, पालतू बिल्लियां हैं ये। अब जनाब यहां पे जो है वो मैं ये बता रहा था आपको कि जब मेथड से मेथड कॉल होता है तो आप चाहें तो मेथड्स के दरमियान कम्युनिकेट भी करवा सकते हैं जी। इसको निकाल दें भाई उसामा साहब, बिल्ली निकाल दें, आप जनाब यहां पे जो है वो यार तुम बैठे हो यार तुम लोग, निकाल दें भाई, कुछ नहीं कहेगी। अच्छा जनाब अब यहां पे जो है वो एड से हमने प्रिंट कॉल किया है, सही है। मैं ये कह रहा था कि मेथड से मेथड कॉल कर सकते हैं, और मेथड से मेथड कॉल करते हुए हम चाहें तो कुछ मैसेजेस भी पास कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझें कि अगर मैं आंखें बंद करके किसी चीज को पिक करता हूं तो मुझे पता चल जाता है ना कि मैंने पिक किया, इसका मतलब मेरा जो पिकिंग टूल है यानी कि मेरा जो हाथ है वो मेरे ब्रेन को कोई मैसेज सेंड कर रहा है कि भाई मैंने कुछ पिक कर लिया, या अगर कोई चीज में गरम है या ठंडी है तो मुझे महसूस हो जाता है, तो ये तो फंक्शन है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं एड से प्रिंट को कोई मैसेज भेजना चाह रहा हूं, गेट बंद कर दो, एड से मैसेज प्रिंट को कोई मैसेज भेजना चाह रहा हूं तो अदनान ये गेट बंद कर दो, अगर मैं मैसेज भेजना चाह रहा हूं तो प्रिंट को इस काबिल होना चाहिए कि वो मैसेज रिसीव कर सके,
और वो कैसे इस काबिल होगा? एसक्यूएल हो गया, विजुअल स्टूडियो की स्पेस नहीं। ठीक कैसे होगा कि प्रिंट के मेथड के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा एक आदत पैरामीटर, यानी कि ये जो मैंने प्रिंट पे लिखा है ना स्ट्रिंग str, इसका मतलब ये है कि प्रिंट जो है वो अब इस केपेबल हो गया है कि वो एक स्ट्रिंग को रिसीव कर सके, सही है। और जब एक प्रिंट का मेथड कोई स्ट्रिंग रिसीव करेगा तो अब इसको लाजमी एक स्ट्रिंग भेजना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रिंट कॉल करें और उसको कोई स्ट्रिंग ना भेजें। मेरी बात समझ में आ रही? लिहाजा देखिए यहां पे एरर आ रहा। अब आप यहां पे इसको अगर z भेज देते हैं और z को यहां पर प्रिंट करवा देते हैं, यानी कि str को यहां प्रिंट करवा देते हैं, इसको रख देते हैं इंटीजर, तो आप देखें प्रिंट जो है वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, एक इंटीजर, और इसको हम भेज क्या रहे हैं, एक इंटीजर, z खुद एक इंटीजर है, तो यहां प्रिंट क्या होगा, z प्रिंट होगा, यानी z की वैल्यू प्रिंट होगी, तो आपके कोड का आउटपुट आएगा 30। मेरी बात समझ में आ रही है? सही है। जिस तरह आपने एट के मेथड से प्रिंट को कुछ डेटा सेंड किया है, बिल्कुल इसी तरीके से आप मेन के मेथड से भी एट को कुछ डेटा सेंड कर सकते थे। यानी अगर मैं चाहता हूं कि ये जो 10 और 20 है ये एट को सेंड कर दूं, मैसेज कर दूं, तो अगर मैं यहां एक्स और वाई लिख दूंगा तो क्या ये एक्स और वाई इधर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? यहां ऐसे लिखना पड़ेगा, तो फिर ऐड का मेथड इस काबिल होगा कि ये यहां से कुछ रिसीव कर सके। मेरी बात समझ में आ रही है? मेन में भी कर सकते हैं। हाँ, ये जरूरत की पड़ रही है। असल में आपको मेथड समझा रहा हूं, मेथड्स की एग्जीक्यूशन क्या होती है। ये असल में मेथड्स बनाने से ना हमें फायदा हो जाता है, प्रोग्राम मैनेजेबल हो जाता है। यानी पुराने जमाने की जो लैंग्वेजेस थी ना, उसमें अगर आप देखें जैसे असेंबली लैंग्वेज या इस तरह की लैंग्वेजेस, उसमें सारा कोड जो है ना धड़ाधड़ ऐसे ही लिखा हुआ था। फंक्शन बनाने से फायदा ही होता है, आप एक फंक्शन को बार बार कॉल कर लेते हैं और उसकी कोडिंग एक ही होती है जिसको कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, फंक्शन या क्लास अभी आते हैं, क्लास पे आएंगे, अभी तो मेथड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इत्मीनान रखें, भरोसा कर लें मेरे ऊपर, सब बता दूंगा मैं आपको, मैं बताऊंगा इतना आप एंड में हाथ जोड़ लेंगे, सर माफ कर दें अल्लाह के वास्ते। ठीक है, टेंशन ना लें। तो जनाब ये असल में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ ना सारी चीजें, अभी मैं एकदम सारी चीजें बताऊंगा कुछ समझ नहीं आएगा आपको। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, स्टैटिक लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है, नेम स्पेस लिखा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां से जो है मैंने मेन से एड का मेथड कॉल किया, उसमें एक्स और वाई भेजा, एक्स और वाई प्लस हुए, जेड में आए, जेड मैंने प्रिंट को भेज दिया, उसने उसको प्रिंट किया और यहां से रिटर्न आया वापस एड पे, एड से वो वापस आया मेन में, सही है। तो किसी मेथड को सेंड करने के लिए तो उस मेथड में पैरामीटर बनाने पड़ते हैं और आर्गुमेंट भेजने पड़ते हैं जहां से आप उसको कॉल कर रहे हैं। देखिए यहां से ऐड कॉल हो रहा है, यहां से प्रिंट कॉल हो रहा है। एक तो है कि किसी मेथड को आप कोई मैसेज भेजें, यानी कि कॉलर भेजें। एक यह है कि जो मेथड कॉल हुआ है वो अपने पास से कोई मैसेज अपने कॉलर को भेजे। नहीं बात आई समझ? यानी एक तो बात यह है कि मेन एड को कोई मैसेज भेजे, दूसरी बात यह है कि एड मेन को कुछ वापस भेजे। ठीक है, तो जब हम ये कहते हैं कि मेन जो कि एड को कॉल कर रहा है तो वो जब उसको कुछ भेजेगा तो वो तो आर्गुमेंट है, लेकिन अगर एड जो कि मेन से कॉल हो रहा है वो अगर मेन को कुछ वापस भिजवाना चाहे तो वो रिटर्न करवाता है। ठीक है,
जैसे प्रिंट अगर एड को कुछ रिटर्न करवाना चाह रहा है तो वो कैसे रिटर्न करवाएगा, जैसे मैं यहां पे रिटर्न करवा रहा हूं सक्सेस। अब जो कुछ मैंने रिटर्न करवाया है उसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, लिहाजा अब रिटर्न टाइप हो जाएगी स्ट्रिंग। देखें पहले रिटर्न टाइप क्या थी, वॉइड। किसी मेथड की रिटर्न टाइप अगर वॉइड होगी तो इसका मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, सही है। लेकिन अगर वॉइड की जगह कोई डेटा टाइप होगी तो इसका मतलब जो डेटा टाइप है वो ये मेथड रिटर्न कर रहा है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, अगर डबल है तो डबल रिटर्न कर रहा है, और अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो अब प्रिंट का मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। अब जब ये रिटर्न कर रहा है तो इसके कॉलर को ये रिटर्न वैल्यू अपने पास कैच करनी पड़ेगी, लिहाजा यहां पर इसको बनाना पड़ेगा एक स्ट्रिंग वेरिएबल जो कि प्रिंट की रिटर्न वैल्यू को अपने पास स्टोर करेगा। समझ में आ रही बात? तो प्रिंट जो कुछ भी रिटर्न करेगा वो किस वेरिएबल में आ जाएगा, अगर ये भी यहां से इसको रिटर्न करे तो इसकी भी रिटर्न टाइप क्या करनी पड़ेगी, और ये रिटर्न होके कहां आएगा, मेन में आएगा, और यहां से आप चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं किसको, स्टेटस को। ठीक है, सही है। लिहाजा आप प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, पहले तो लिखा हुआ आएगा 30 जो कि हमने लिखा था किसमें, प्रिंट में, फिर लिखा हुआ आएगा सक्सेस जो कि हमने कहां लिखा है, मेन में, प्रिंट तो मेन में करवाए ना। ये जो 30 है ये प्रिंट के मेथड में राइट हुआ है, और ये जो सक्सेस है ये मेन के मेथड में राइट हुआ है। आउटपुट तमाम मेथड्स की कंबाइंड एग्जीक्यूशन है। देखें आप ये सारी लाइनें एक ही मेन में भी लिख सकते थे, समझ में आ रही बात, लेकिन हम यहाँ मेथड्स की कॉलिंग और उनको मैसेज भेजना और उनसे डेटा रिसीव करना रिटर्न करवाना वो समझ रहे हैं। अगर मैं यहां पे ये ना भी करता और ऐसे लिख देता तो भी एक ही बात थी, क्या मतलब है, जो कुछ ये रिटर्न कर रहा है वो ये रिटर्न कर देगा, और जो ये रिटर्न कर रहा है वो हमने एक वेरिएबल में रख के उसको प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अगर ये कुछ रिटर्न करे एट का मेथड और मैं किसी वेरिएबल में स्टोर ना करूं अभी भी ये कुछ ये सक्सेस रिटर्न करेगा ना, लेकिन मैं वो रिसीव ही ना करूं तो सही है, नहीं कर रहा फिर मैं, ठीक है, फिर मैं उसको प्रिंट भी नहीं करवा सकता अगर मैं रिसीव ना करूं तो। लेकिन ये रिटर्न करेगा, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये वाला एड का मेथड भी सक्सेस वैल्यू रिटर्न करेगा। अब वो बात और है कि मैं उसको अपने पास जब आ रही है वैल्यू तो मैं इसको कहीं स्टोर करके उसको यूज नहीं कर रहा। इसका आउटपुट होगा 30, फिर सक्सेस, और फिर इसका आउटपुट होगा 40, सही है। क्यों 40 हो गया, क्योंकि मैंने x प्लस 10 भिजवा दिया ना यार, तो x की वैल्यू जो है वो अब 20 हो गई है। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। अच्छा, एक बात यहां और समझ लें कि ये भी x है और ये भी x है, दोनों का नाम सेम है लेकिन दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। समझ आ रही बात? भाई दो घर हैं, दो सात, सात में दो घर हैं, दोनों में शाहिद रहता है।
अब अगर आप घर के बाहर खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दें शाहिद, तो कौन बाहर आएगा? दोनों बाहर आ जाएंगे, आ जाएंगे ना। तो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि दोनों वही शाहिद हैं जिसको आप बुला रहे हैं, ठीक है? दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं। तो ये जो x वेरिएबल है ना, ये असल में है मेन डॉट x, मेन का x है, और ये जो है वो एट का x है, ठीक है? दोनों के नाम बेशक सेम हो गए, मेन के अंदर एक और x नहीं बन सकता क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुका है, सही है? एक नाम के दो वेरिएबल एक मेथड में नहीं हो सकते, अलग अलग मेथड है, बना लें आप, कोई मसला नहीं है, नाम सेम रख दें कोई मसला नहीं है, लेकिन सेम मेथड में नहीं रख सकते, सही है? ठीक है, कोई इतराज तो नहीं है आपको? चलें जी।